ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख को राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। अदालती फैसले की रोशनी में हुक्म जारी किया जाएगा। हलीम आदिल शेख के वकील ने दलाइल दिए कि जब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया उस वक्त कोई FIR दर्ज नहीं थी। गिरफ्तारी रात में की गई और मुकदमा सुबह 7:30 बजे दर्ज हुआ। हमारा केस हाई कोर्ट में भी जेरे इल्तवा है, हो सकता है वहां से रिहाई मिल जाए। हलीम आदिल शेख को सेहत के मसाइल का सामना है, बाय रोड ले जाने में तकलीफ बढ़ सकती है। ये भी कर सकते हैं क्योंकि खुद डाकुओं का सरदार है, तकरीबन जो है ये रास्ते में इस दो पुलिस मोबाइलों में अपने सिपाहियों की कुर्बानी देकर, बेचारों की कुर्बानी देकर ये मुझे डाकुओं के जरिए हमला करा के अपने चोरों से हमला करवा के कत्ल करवा सकते हैं। मुर्तजा भुट्टो अपनी बहन वजीर आजम की मौजूदगी में कत्ल हो सकता है तो मैं क्या हूँ? जब तक मैं अपोजिशन लीडर नहीं था मेरे पर कोई केस नहीं था। 2 साल पहले मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया, उसके बाद 22 मुख्तलिफ केसेज हो चुके हैं। मेरी जान को खतरा है। मैंने आज से एक हफ्ते पहले खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध को कि मुझे एक साजिश तैयार की गई है बिलावल हाउस से, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह उसको इम्प्लीमेंट करता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।